हम जो धरना दे रहे हैं ये इंसानियत का धरना है। ये सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पूरे भाई खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये हिंदुस्तान की आवाज़ है। काले पत्थर से लेके शमशीरगंज पर तक ये जो है ना धरना दिए हैं कि हमारी मासूम बहन आसिफा को इंसाफ दिलाया जाए, जो उसके खातिर आज भी जिंदा फिर रहे हैं। हमारी ये हिंदुस्तान की सरकार से ये अदबन गुजारिश है कि आसिफा के जो खातिल है वो लोग को जो है फांसी पे चढ़ाया जाए। वी वांट जस्टिस, 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 जोर से आसिफा के इंसाफ के लिए जो उसका गैंगरेप हुआ है, हम जस्टिस चाहते हैं। आज हम काले पत्थर जानुमा फलकनुमा पूरे नौजवान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे हम लोग मिल के इंसानियत तौर पर आज रैली पूरा मन रैली निकाले हैं। देखिए ये जो हम एहतजाज कर रहे हैं, ये एक मासूम बच्ची जो आसिफा है जिसके साथ जो है एक क्राइम हुआ है, जो क्राइम किए हैं वो ना हिंदू है ना मुसलमान है बल्कि एक शैतान सब इंसान है वो लोग शैतान। हम ये चाहते हैं कि बस वो लड़की को जल्द से जल्द और उनके घर वालों को इंसाफ मिले, और इंसाफ भी ऐसा मिले कि आने वाले अगर कोई सोच भी रहा है कि ऐसा मैं जुर्म करूं तो वो करने के लिए 100 बार सोचे, और वो खातिरों को जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हमारे कानून पे, हिंदुस्तान के कानून पे हमारे को भरोसा है कि जो है वो ज़रूर जो है सख्त से सख्त जो है उनके साथ कार्रवाई करेंगे। हुकूमत से आप क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से हम ये चाह रहे हैं, हुकूमत से हम ये चाह रहे हैं कि वो आसिफा के मामले में जल्द से जल्द फैसला करे और खातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले जो है नस्लों को जो है विस्तार मिले कि कोई और घर में कोई और एक आसिफा जो है के साथ कोई ऐसा कुछ हादसा ना हो। बस हम यही चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं चाह रहे हैं। बस खातिरों को सजा दी जाए और हमें इंसान, हमें पूरा भरोसा है हमारे हिंदुस्तान के कानून पे वो जो है ऐसा करेंगे। बल्कि ये रैली की शुरुआत कहाँ से करें आप लोग? हम लोग यहाँ पर जो है सत्तारबाग से शुरू करके शमशीरगंज तक गए हैं। ये एक पीस रैली थी, ऐसी कोई जो है वो नहीं, खामोशी के साथ गए हम लोग जो एहतजाज किए हैं। अगर ये एहतजाज की वजह से अगर 1 या 2% भी फायदा अगर आसिफा के घर वालों का, आसिफा की जो तो को पहुंचा जस्टिस को, तो हम जो अपने आप को खिदमत वाले समझेंगे। अल्लाह ताला जो है जितने भी ये लोग हमारे साथ रैली में शरीक हुए इनको इसका अजर दे। आमीन।